पहले भी किचन पर वीडियोस बनाई हैं मैंने, लेकिन ये वीडियो दूसरी वीडियो से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले वीडियो में आपने किचन देखा था वो बगैर टाइल्स के था। साथ में रहें, डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे और मुनफरिद किचन और वॉशरूम आज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा लुक दे रही है वाइट टाइल, बड़ा बड़ा लुक आ रहा है। और इसके साथ फिर मैचिंग का ये मार्बल टेबल, पहले वुड का था, लकड़ी जो लकड़ी का कलर होता है ब्राउन उस तरह का था, लेकिन अब सब मैचिंग पर है। और ये जो पिलर्स हैं ये आप देख सकते हैं कंट्रास्ट हो रहे हैं, ये जो कलर है ये ग्रेश ब्लू है, इनहेंस कर रहा है वाइट कलर को ये। और ये लाइट्स भी चेंज हुई हैं, ये जो पेंडेंट लाइट्स आप देख रहे हैं। ओवरऑल किचन की लुक बदल गई है। फिर टाइल्स हैं तो यहाँ मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इन वॉल्स पर होल करूं, तो ये आप देख सकते हैं जो हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ, और इनको सपोर्ट कवर्ड से मिल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये बेटर आइडिया है अगर आप इस तरह यूज कर लें। फिर ये ऑर्गेनाइजर है किचन, लाइक फ्रिज के साथ ये स्टिक है, मैग्नेटिक है, और यहाँ भी काफ़ी चीज़ें रखी हैं जैसे टॉयलेट रोल, और भी चीज़ें हैं, टूथपिक नज़र आ रही है, या ऑलिव ऑयल की बॉटल है। इधर ऑर्गेनाइजर है, ये केबल्स यहाँ है, और यहाँ मेरा मोबाइल चार्ज होता है, आईपैड चार्ज होता है, ये पावर बैंक ये चार्ज होता है, इधर यूज करती हूँ मैं यहाँ। और इसकी जो तार है वो कनेक्शन आप देख लो यहाँ से आ रहा है पीछे से, जहाँ फ्रिज माइक्रोवेव और एयर फ्रायर सब कनेक्टेड है। बार टेबल भी बहुत अच्छी यूज हो रही है, इसमें जितनी स्पेस है आपके सामने है कि मैंने कितनी चीजें यहाँ रखी हुई हैं, ब्रेड बास्केट है, यहाँ प्लेट्स हैं, ड्राई प्लेट्स हो जाती हैं, मतलब वॉश करके ड्राई करके मैं इधर रख लेती हूँ, बच्चों के लंच बॉक्स, पानी की बॉटल्स या स्पून्स हैं, फिर अचार और ये होल फॉर, काफ़ी कुछ जो चीज़ें आपको नीड होती हैं कि आप बाहर इनको रखते हो, डेली यूज में आती हैं, तो वो आप फिर इस तरह सेट कर सकते हो। ये वीडियो मुनफरिद है दूसरी वीडियो से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और होपफुली आपने भी ऐसा पाया होगा, क्योंकि खर्चा हुआ है, खर्चा खाली नहीं, चीज़ें समझ कर अगर की जाएँ, जैसे किचन छोटा है और उसमें जैसे सफ़ेद कलर ने यूज़ किया टाइल्स के लिए, और टाइल्स भी बड़ी वाली लगाई है, तो उससे ज़रा स्पेशियस और बड़ी बड़ी लुक आई है। तो कहने का मतलब ये है कि खर्चे के साथ साथ समझ कर चीज़ें चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर डार्क कलर्स हम थीम रखते तो बहुत मैसी लुक फिर आता, तो या कलर्स थीम कलर लैंग्वेज ये आपकी तबीयत पर असर करती है, आपके मजाज पर असर करती है। आप घर में एंटर होते हो तो आपको फ्रेशनेस, आपको फील हो के थकावट सारी दूर हो गई है, वो तभी है जब घर को उस तरह डेकोरेट किया जाता है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टे ब्लेस्ड।